नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोमित्रम में। इस वीडियो में दिखाई गई, उपयोग की गई अथवा प्रकाशित की गई सामग्री एस्ट्रोमित्रम के साथ पंजीकृत संबंधित लेखक ज्योतिषी से संबंधित है। इस वीडियो को केवल देखने के लिए YouTube से एक्सेस किया जा सकता है और इसे पुनः किसी भी माध्यम से प्रकाशित या वितरित करने के समस्त अधिकार एस्ट्रोमित्रम के अधीन है। एस्ट्रोमित्रम में आपका स्वागत है, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य आनंद। मित्रों, एपिसोड चल रहा है दीपावली का। तो मित्रों, YouTube पे आप जाएंगे, ढेर सारे लोग आपको उपाय बताएंगे कि ये करिए, वो करिए, ऐसा करिए, इस राशि पे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। क्या आप दिवाली पहली बार मना रहे हैं? क्या इससे पहले दिवाली पे आपने जो जो उपाय करे, क्या आपकी प्रोग्रेस हो गई, क्या उन्नति हो गई, क्या प्रगति हो गई, क्या इतने सारे उपाय करने के बाद आपकी समस्याएँ ख़त्म हो गई? नहीं हुई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें बताया क्या जा रहा है, जीवन है क्या और दिखाया क्या जा रहा है, कहीं ना कहीं मिस हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ लफड़ा है, कहीं ना कुछ गलती है, कहीं ना कुछ हम भटक रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसकी वजह से हम अपना टारगेट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हम मुख्य मुद्दे पर नहीं पहुँच पा रहे। तो अब मुख्य मुद्दा ये है कि हम अपनी प्रोग्रेस कैसे करें, क्योंकि दीपावली का सीधा सीधा तंत्र अर्थ से जुड़ा हुआ है। यदि व्यक्ति का अर्थ मजबूत है, उस घर में दिवाली बहुत शानदार ढंग से मनेगी। जिसका अर्थ कमज़ोर है, उसके दिवाली कमज़ोर मनेगी। जिसका अर्थ बिल्कुल नहीं है, उसके दिवाली कैसे मनेगी? मित्रों, क्योंकि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में पूरा धन का महत्व है, तो इस धन को संचित कैसे करें, इस धन के प्रति हमारी आस्था कैसे जुड़े कि हमारा धन इतना मिल जाए। तो मित्रों, जैसे कि हमने आपको प्रथम एपिसोड में बताया कि यदि आपको लक्ष्मी चाहिए, यदि कुछ लेना चाहते हो, तो प्रकृति उसका 100 गुना होकर के आपको रिटर्न करती है। जब तक आपके अंदर देने की प्रवृत्ति नहीं है, तो सबसे पहले हमें 1-5-9 को महत्वपूर्ण करना पड़ेगा। 1-5-9 क्या है? 1-5-9 आपका प्रारब्ध का संचित पुण्य। अब प्रारब्ध का संचित पुण्य कैसे बनेगा? आपके व्यक्तित्व से बनेगा, आपके चरित्र से बनेगा, आपकी सोच से बनेगा, आपके व्यवहार से बनेगा, आपकी एक्टिविटी से बनेगा, आपके कर्म से बनेगा, आपके दान पुण्य से बनेगा, आपके एटमॉस्फेयर से बनेगा। अब आपका व्यक्तित्व क्या है? आपके चेहरे पर हमेशा प्रसन्नता का भाव होना चाहिए, ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। यह आपका यदि व्यक्तित्व अच्छा है, तो निश्चित रूप से आपका प्रारब्ध का संचित पुण्य जुड़ता हुआ चला जाएगा। क्योंकि हर व्यक्ति, अरे साहब क्या आदमी है, आपने दूसरों को कितना सम्मान दिया, दूसरों की कितनी इज्जत करी, आप खड़े हो गए दूसरों को बैठने के लिए, कितने लोगों को सीट दी, आपके घर कोई अतिथि आया आपने उसकी कितनी सेवा करी, आप उसके प्रति कितने भाव पॉजिटिव रखते हैं। जब तक पॉजिटिविटी आपने जीवन में नहीं लाए, कैसे लक्ष्मी आएगी? कल्पना करिए, आप आपकी दूसरों के प्रति सोच नेगेटिव है, कैसे लक्ष्मी आएगी? हम गंदे बर्तन में क्या आप खाना खा सकते हो जब तक साफ नहीं हो जाए? जूठे बर्तन में खाना कैसे परोस देगी प्रकृति? जब तक आप मूलभूत सिद्धांतों से नहीं जोड़ेंगे, तब तक कैसे दीपावली मनेगी? क्योंकि जब तक हमें अपना आत्मशोधन, आत्मचिंतन, आत्ममनन लगातार करना पड़ेगा इस दीपावली के पर्व में, क्योंकि हमें लक्ष्मी चाहिए। लक्ष्मी लेने के लिए प्रकृति को देना पड़ेगा। यदि आप बोलते हो ये सिद्धांत गलत है, तो आप ये कल्पना करिए कि खेत में एक अनाज का बीज बोते हैं, कितने दाने होकर के निकलते हैं। क्योंकि लक्ष्मी दीपावली का पर्व है, हमें लक्ष्मी यानी धन चाहिए। धन अर्जित करने के लिए उतना बोया आपने, एक किसान यदि खेत में बोता है तो उसके एक बोरे की जगह 100 बोरे निकलते हैं। अब आप एक बोरा नहीं बोना चाहते और 100 बोरे की कल्पना करते हैं, कैसे लक्ष्मी मिलेगी? आप YouTube पे चले जाइए, दुनिया भर के उपाय मिलेंगे। ये उपाय आपने, आपके भाई ने, आपके बंधु ने, सब ने कर लिए, वर्षों से दिए जा रहे हैं ये सब उपाय। क्या आपका भाग्य बदला? नहीं बदला, क्योंकि कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि जब तक आप प्रकृति में देना नहीं सीखेंगे, ये सृष्टि भगवान ने बनाई, ये वायु तत्व किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। आज यदि पक्षी हैं, तो हमें उनको देख करके खुशी होती है। क्या आपने पक्षियों के लिए एक पेड़ लगाया? उस पेड़ को यदि एक नीम का पेड़ लगाया होता, एक पीपल का पेड़ लगाया होता, एक अशोक का पेड़ लगाया होता, तो आज वो पेड़ बढ़ा करके हजारों जीव आत्माओं को घर देता। उन घर देने से आपके वायु तत्व की
स्थिति बहुत सॉलिड हो जाती, आपकी बिल्डिंगें बनती, आप बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर आपकी कॉलोनियाँ कटती। क्यों? क्योंकि वायु तत्व तो आपने अपना अच्छा कर लिया। जब वायु तत्व तो सुधार लिया तो ज़िंदगी सुधरती हुई चली गई। तो क्या चाहते हैं? क्या वही हम किसी विशिष्ट भाषा का प्रयोग करें कर्मकांड में कि इस दीपावली पे ऐसा करिए, ये हो जाएगा, वैसा करिए, ये हो जाएगा, वैसा करिए, ये हो जाएगा, और जब नहीं होता तो व्यक्ति को निराशा होती है, और निराशा होने के बाद ज्योतिष को गाली देता है कि ज्योतिष बकवास। यदि उसी ज्योतिष ने आपको मूलभूत सिद्धांतों से जोड़ा होगा, मूलभूत व्यक्तित्व से जोड़ा होगा, मूलभूत कर्तव्य निष्ठा से जोड़ा होता तो आज लक्ष्मी की बारिश होती, आज ये दिवाली भी अन्य अरबपतियों की तरह, अन्य करोड़पतियों की तरह ये दिवाली भी आपकी बहुत अच्छी जाती, आपके घर में भी वो आनंदमय माहौल होता, क्योंकि जहाँ लक्ष्मी बरसती है, जहाँ धन बरसता है, वहाँ ईश्वर की कृपा बरसती है, धन धान्य सुख सुविधाएँ संपूर्ण मिलती हैं, और जहाँ धन धान्य संपूर्ण मिले वहाँ व्यक्ति का विभव विलासिता, उसका मान सम्मान स्वतः ही बढ़ जाता है। लेकिन हम उस लेवल पर पहुँचना ही नहीं चाहते, हम भ्रमित रहते हैं, हम कन्फ्यूजन में रहते हैं, हम अपना भविष्य उन उपायों में खोजते हैं जिसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो उपाय आपके लिए एक त्वरित काम करते हैं कि आज दिवाली का दिन है, चारों तरफ लाइटें लगी, दिवाली चली गई, लाइट हटा दी गई, ये उपाय हुआ है। यानी दिवाली के दिन पूरा शहर जगमगा रहा है लाइटों से, लेकिन ये उपाय है, मैं मानता हूँ उपाय है, लेकिन जैसे ही दिवाली ख़त्म हुई आपके जीवन की जगमगाहट खत्म हो गई, तो ये जगमगाहट जीवन भर 12 महीने 24 घंटे चले, इसके लिए हमें प्रकृति से तालमेल करना पड़ेगा, प्रकृति को देना पड़ेगा, असली ओरिजिनल दिवाली मनानी पड़ेगी। वो असली ओरिजिनल दिवाली आपके व्यक्तित्व से आएगी, आपकी सोच से आएगी, आपकी कार्यशैली से आएगी, आपको देने से आएगी, आपको दूसरों का भला सोचने से आएगी, आपकी दूसरों की मदद करने से आएगी, प्रकृति के साथ सिद्धांतपूर्ण नीतिगत अपनाने से आएगी। यदि इस दिवाली के पर्व में आप चाहते हैं कि अगली दिवाली और शानदार जाए, तो इस साल भर अभी से ही अपनी कार्यशैली को परिवर्तन कीजिए, दया का भाव रखिए, करुणा का भाव रखिए, ममतामय भाव रखिए, खुद न खा करके दूसरों को खिलाइए, मिल बांट कर खाइए, आप देखिए कितनी शांति मिलती है। प्रकृति के हर तत्व की मदद करिए, चाहे जल तत्व है तो नदी में मछलियों को, छोटे छोटे असंख्य जीवात्माओं को दाना डालिए, पक्षी हैं तो उनके लिए घर बनाइए, एक वृक्ष लगाइए, भिखारी है तो उनको भोजन कराइए, अतिथि आए तो उनकी सेवा करिए, कोई भी मिले आपके चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव होना चाहिए। यदि कोई भी आपके घर में आए, कोई भी मित्र आए, सबके लिए सम्मान होना चाहिए। एक मित्र के लिए तो आप बहुत सम्मान दे रहे हैं, दूसरे को गाली दे रहे हैं। जब तक मूलभूत सिद्धांतों से नहीं जुड़ेंगे, ये भाषणबाजी नहीं चल रही मित्रों, ये मूल प्रकृति के सिद्धांत की प्रगति की बात चल रही है। यदि इस प्रगति को दिवाली पे आप वास्तव में उन्नति करना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिकल बात करें मित्रों। कोई ज्योतिष आपको इस तरह की बात नहीं करेगा जो हम आपसे कर रहे हैं। आप सिद्धांत से जुड़े, धर्म से जुड़े, आध्यात्म से जुड़े, लेकिन हृदय से जुड़े, क्योंकि आपने मंदिर में बहुत दान कर दिया, बहुत दानी महापुरुष हैं, भगवान ने दान लिया क्या? अरे जिस समय आप भिखारी थे खुद भगवान से लेने गए थे, आज भगवान को देने चले। यदि उसकी कल्पना यदि उन गरीबों को दिया जाता, मजबूर लोगों को दिया जाता, उन असहाय लोगों की मदद की जाती, तो निश्चित रूप से वो रिटर्न होकर के हमें 100 गुना मिलती और ये हमारे दिवाली का पर्व सफल हो जाता। मित्रों, ये कार्यक्रम कैसा लगा? इस कार्यक्रम से संबंधित कोई भी जानकारी आप हमसे यदि लेना चाहते हैं तो हमारे एस्ट्रो मित्रम के कार्यक्रम के माध्यम से ले सकते हैं। व्यक्तित्व सुधार, अच्छी सोच, अच्छा व्यवहार, अच्छा ज्ञान, अच्छा चरित्र और हमारी कार्य कर्तव्य निष्ठा, यही इसके अलावा देने की प्रवृत्ति, यही असली दिवाली का पर्व है मित्रों। इस असली दिवाली के पर्व को आत्मीयता के साथ मिलजुल कर मनाएंगे, एक दूसरे को खुशियां देंगे, एक दूसरे को सहयोग करेंगे, एक दूसरे की सहयोग की भावनाएं रखेंगे, एक दूसरे को चेहरे पर मुस्कुराहट देखने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित रूप से पर्व दिवाली का बड़ा अच्छा जाएगा। और जो आपने दूसरों को मुस्कुराहट दी है, जो दूसरों को आपने खुशी दी है, वो 100 गुना होकर के आपके पुनः आपके चेहरे पे, आपके परिवार में लौटेगी, ऐसा मैं मानता हूँ मित्रों। धन्यवाद, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, हैप्पी दिवाली। हमें आशा है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एस्ट्रो मित्रम, एवं किसी भी प्रकार की समस्या या ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। आपकी सहायता को सदैव तत्पर हमारी कुशल टीम आपसे जुड़ने की आशा करती है। धन्यवाद आपके समय के लिए।